नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके त्वरित अध्ययन की पुस्तक भारत की खोज के चतुर्थ अध्याय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। शीर्षक जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, युगों का दौर। बेटा, प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में नेहरू जी की गहरी समझ और दिलचस्पी हमें यहाँ परिलक्षित हो रही है और इसके माध्यम से हमारा ज्ञानवर्धन भी हो रहा है। गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। देखिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य अशोक, इनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद ये देखिए, उनकी जगह मौर्यों के बाद शुंग हमारे यहाँ आए, यूनानी जो थे, मेनांडर के नेतृत्व में पाटलिपुत्र तक उनका हमला हुआ। और इसके बाद हमने देखा एक हेलियोडोरस स्तंभ जो कि ईसा पूर्व पहली शताब्दी का है, उसमें एक संस्कृत का एक लेख भी इस पर खुदा हुआ है, तो यह यूनानियों के भारतीयकरण की एक झलक हमें मिलती है। अब इसी समय मध्य एशिया से शक लोग, शक हूण कुषाण जिनको हम कहते हैं, ऑक्सस की घाटी से में बस गए थे और यूची जो है सुदूर पूर्व से आए। यूची मतलब जो कुषाण लोग हैं, और ये देखते देखते ही इन लोगों ने जो है दक्षिण भारत में अपने पैर जमाना शुरू कर दिया, काठियावाड़ दक्षिण की ओर चले गए। और इसके बाद कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम किया, और कहें कि इनमें से कुछ ने जो है हिंदू धर्म भी अपना लिया और अधिकांश ने बौद्ध धर्म। और सबसे प्रसिद्ध शासक हुए कनिष्क, जिनका जिक्र हम ऐतिहासिक ग्रंथों में भी हमें मिलता है, और बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि उनका राज्य धर्म कुछ मिला जुला हुआ था। और यहाँ से हम पाते हैं कि विदेशों के साथ भी हमारा एक तरह से आदान प्रदान प्रारंभ हो गया था। चीनी राजदूत यहाँ आए और चीन से भारत को जो तोहफे मिले उनमें आड़ू और नाशपाती, ये जो दो फल हैं आड़ू और नाशपाती के पेड़, ये भी हमें चीन की भेंटी कह सकते हैं। गोभी के रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तूफान कूचा में भारतीय चीनी ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ। कुषाण काल में बौद्ध धर्म आपको पता ही है दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान मतलब छोटी सवारी, महायान मतलब बड़ी सवारी। और इसी समय हम एक नागार्जुन का जो है नाम सुनाई देता है, वो एक महान व्यक्तित्व थे, बौद्ध शास्त्र और भारतीय दर्शन के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, और उन्हीं के कारण से भारत में महायान जो है वो अधिक प्रचारित हुआ। और महायान के सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ, लंका और बर्मा जो कि हम लंका और बर्मा मतलब श्रीलंका और म्यांमार हीनयान को मानते रहे। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया, भारतीय संस्कृति में ही घुल मिल गए। और 320 में हम देखा कि गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ होता है। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए जो कि युद्ध और शांति ना दोनों ही कलाओं में सफल हुए, और लगातार हम लोगों ने विदेशियों के प्रति जो प्रबल विरोध की भावना को जन्म दिया। अब हम यहाँ देखते हैं कि आर्य यहाँ उस स्थान से आए थे जहाँ जिसे उन्होंने आर्यव्रत कहा या भारतवर्ष कहा। अब भारतवर्ष के सामने